Hello everyone, this is Ajay Singh from Binary RU and welcome back to another video. I hope you all are doing well and earning excellent profit as always. So friend, आज के वीडियो में बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ. बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही किफायती स्ट्रेटेजी है. आप इस स्ट्रेटेजी को लेकर ट्रेडिंग करोगे, आपको फोर श्योर प्रॉफिट्स मिलेंगे. सो वीडियो पूरा देखते रहेगा. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास अभी भी कोडेक्स का अकाउंट नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगी. वहां से अकाउंट रजिस्टर करने पर आपको 7 लाख रुपीज़ का डेमो अकाउंट बैलेंस मिलेगा. फास्ट एंड प्रायोरिटी विड्रॉवल्स मिलेंगे और इन फ्यूचर आपको यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले. सो चलिए अपना ट्रेड रूम सेटअप करेंगे. ओसिलेटर्स में आपको RSI यहाँ पे ढूंढना है, राइट. सो RSI को लगवाएंगे, पीरियड को यहाँ पे 9 कर देंगे. और जो भी आप कलर चेंज करना चाहो वो आपकी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हो. एंड वी आर गुड टू गो. जी हाँ, इस सिंगल इंडिकेटर से हम यहाँ पे आज ट्रेडिंग करने वाले हैं. और आप मुझे ट्रस्ट कीजिए, ये सिंगल इंडिकेटर आपकी पूरी ट्रेडिंग करियर चेंज कर सकता है. बने रहिए इस वीडियो में. इसी इंडिकेटर को यूज़ करके आज हम ट्रेडिंग करेंगे और देखेंगे इस जो इंडिकेटर है उसका पावर कितना है. जैसे यहाँ पे देख सकते हो, RSI जो है वो अभी ओवरसोल्ड है और हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग का वेट कर रहे हैं. सो जैसे ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, मीन्स यहाँ पे अपना सिग्नल कन्फर्म हो जाएगा और 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखेंगे और अप ट्रेड ओपन करेंगे, राइट. सो इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज होना यहाँ पे नेसेसरी है, मीन्स ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होगी तो हम यहाँ पे ट्रेड ओपन नहीं कर सकते. सो 30,000 रुपीज़ इसकी हमने यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखा है और यहाँ पे अप ट्रेड ओपन कर दी है. जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमने वैसे ही ट्रेड ओपन की है और RSI यहाँ पे ओवरसोल्ड था, इसी वजह से हमने यहाँ पे अप ट्रेड ओपन की है. सो चलिए देखते हैं अपने ये जो ट्रेड है उसके क्या रिजल्ट्स रहते. अ क्विक अपडेट गाइस, एज यू कैन सी मार्केट इज रनिंग पॉजिटिव, जैसे ही देख सकते हो. और अब आपने यहाँ पे देखा होगा, मैंने जो बताया था पहले कि स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़िया है एंड रिजल्ट्स आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे. बने रहिए अभी इस वीडियो में, हम और भी ट्रेड्स ओपन करेंगे. सिंगल इंडिकेटर को यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे. जैसे ही कोई सिग्नल मिलता है आपको अपडेट करता हूँ. वेरी क्विक अपडेट गाइज, यहाँ पे जैसे देख सकते हो RSI ओवरबोट दिखा रही है, जैसे अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो. और एक हमें रेड कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग की वेट है एंड 30,000 रुपीज़ की हमने यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखा है और डाउन ट्रेड ओपन कर दिए. जैसे ही हमने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग की वेट की थी, वैसे ही हमने यहाँ पे अपनी डाउन ट्रेड के लिए एक रेड कैंडल की क्लोजिंग की वेट की, राइट. सो काफ़ी ईजी है. आगे यहाँ पे देखते ही अपने ये जो ट्रेड है उसके क्या रिजल्ट रहते हैं. अ क्विक अपडेट गाइज, एज यू कैन सी मार्केट इज रनिंग पॉजिटिव. मार्केट थोड़ा सा अप गया था बट देख सकते हो 5 मिनट का ट्रेड टाइम है अपना और इस स्ट्रेटेजी में काफ़ी बढ़िया तरीके से 5 मिनट का ट्रेड टाइम वर्क करता है. एज यू कैन सी वी हिट द प्रॉफिट. बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी को यूज़ किया ट्रेडिंग की यहाँ पे, जैसे ही देख सकते हो. सो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है. आगे बने रहिए, कोई और सिग्नल मिलता है तो आपको अपडेट करता हो. क्विक अपडेट गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पे जैसे देख सकते हो RSI ओवरसोल्ड दिखा रही है और हमें ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट चाहिए, राइट. और 30,000 रुपीज़ की 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखा है, अप ट्रेड ओपन कर दिए. बहुत ही सिंपल. अब आप यहाँ पे इजीली समझ पा रहे होगे कि मैंने क्यों ट्रेड ओपन की अप की, अगर आपने पहली ट्रेड देखी है हमने ओपन की हुई. सो वीडियो पूरा देखते रहिए, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है. और देखते हैं अपनी ट्रेड के क्या रिजल्ट रहते हैं.
A quick update guys, as you can see, market is running positive. पहली जो ट्रेड थी वैसे ही यहाँ पे पूरा सेटअप था ट्रेड का. RSI हमने ओवरसोल्ड दिखी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग का वेट किया था और हमने यहाँ पे 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखा था और अप ट्रेड ओपन की थी. As you can see, जैसे देख सकते हो, वी हिट द प्रॉफिट. बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है और ये स्ट्रेटेजी बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है क्योंकि इसमें कोई झंझट आपको है ही नहीं, राइट. सो अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की. एक स्मॉल सी दिक्कत है, काफ़ी सारी स्ट्रेटेजीज की काफ़ी सारी दिक्कत होती है, इस स्ट्रेटेजी की एक स्मॉल सी दिक्कत है. वो ये है कि आप मार्केट की डेप्थ को नहीं पहचान सकते हो. वो क्या, आप मान लीजिए यहाँ पे हमें ओवरसोल्ड का सिग्नल मिला, राइट. सो हमने यहाँ पे एक कैंडल के क्लोजिंग का वेट किया और हमने यहाँ पे अप ट्रेड ओपन की, बट मार्केट और भी डाउन आ सकता है, वैसे ही अप में भी होता है, राइट. पर चलिए, कोई नहीं, सिग्नल मिलता है तो अपडेट करता हूँ. क्विक अपडेट गाइज, एज यू कैन सी RSI यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रही है, हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है, राइट. अब आपको समझ में आ रहा होगा, और 5 मिनट का ट्रेड टाइम रखा और मैंने यहाँ पे 30,000 rupees की डाउन ट्रेड ओपन कर दी है. सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है कि इस कंडीशन पे आपको ऐसा करना है वैसा करना है. सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, वैसे ही कंडीशन पे आपको इस तरीके से ही ट्रेड करना है. सो चलिए देखते हैं अपनी ये जो ट्रेड है उसके क्या रिजल्ट्स रहे थे. अ क्विक अपडेट गाइज, एज यू कैन सी मार्केट इज रनिंग नेगेटिव और मैंने आपको यहाँ पे आगे कुछ देर पहले ही बताया था कि इस स्ट्रेटेजी में छोटी सी दिक्कत है कि आप मार्केट की डेप्थ को नहीं पहचान सकते हो. एज यू कैन सी हमें यहाँ पे लॉस मिला, बट वरी नॉट, अजय सिंह है आपके साथ. यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, एक हैक बताता हूँ आपकी लैंग्वेज में. जैसे ही आपको पहली बार अगर आपका सिग्नल वर्क नहीं करता है ओवरसोल्ड या ओवरबोर्ड का, आपको दूसरे सिग्नल पे ही यहाँ पे लॉस रिकवरी ट्रेड्स ओपन कर देनी है, या तो आप जैसे ही ट्रेड्स ओपन करना चाहो वो आपकी मर्जी है, बट दूसरी बार यहाँ पे उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट मीन्स ओवरसोल्ड है तो मार्केट अप जाएगा, ओवरबोर्ड है तो मार्केट डाउन जाएगा. सो हमारा यहाँ पे ओवरबोर्ड का सिग्नल था वो वर्क नहीं करा था, राइट. हम यहाँ पे लॉस रिकवरी ट्रेड्स ओपन करेंगे. अगर आपने वो मेरा वीडियो चेकआउट नहीं किया ज़रूर से देख सकते हो. और यहाँ पे रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है फिर हम यहाँ पे अपने लॉस रिकवरी ट्रेड्स ओपन करेंगे, राइट. हमें यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है, ऐसे ही ट्रेड्स ओपन मत कीजिएगा. भले ही क्लोजिंग ना आए, वेट कीजिए थोड़ा सा. ओवरबोट यहाँ पे RSI दिख रही है, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम यहाँ पे डबल ट्रेड्स ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने 30,000 rupees की डबल ट्रेड्स ओपन कर दी एज ए लॉस रिकवरी ट्रेड्स, जिससे हमारा जो पहला लॉस था वो हमें रिकवर करके दे और हमें यहाँ पे इस ट्रेड्स पे कुछ प्रॉफिट भी देखने को मिले, राइट. सो पहले तो देखते हैं अपनी ये जो ट्रेड है उसके क्या रिजल्ट्स रहते. अ क्विक अपडेट गाइज, एज यू कैन सी मार्केट इज रनिंग पॉजिटिव. मैंने आपको यहाँ पे आगे बताया था 5 मिनट का ट्रेड टाइम बहुत ही बढ़िया वर्क करता है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में. और यहाँ पे जैसे ही देख सकते हो, वी हिट द प्रॉफिट, हमारा लॉस रिकवर हो चुका. अराउंड इस ट्रेडिंग सेशन में हमने 95,000 rupees के अराउंड का प्रॉफिट अर्न किया, विच इज मोर देन इनफ. सिंगल इंडिकेटर पे हमने यहाँ पे ट्रेडिंग की, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है. और मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे एक ट्रिक भी बताई कि अगर मार्केट में ओवरसोल्ड ओवरबोट वाली एक बार कंडीशन नहीं वर्क करती, वेट कीजिए दूसरी कंडीशन मीन्स एक कैंडल के क्लोजिंग का और एक बार वेट कीजिए और वहाँ पे अपनी लॉस रिकवरी ट्रेड्स ओपन कीजिए और आपको यहाँ पे काफ़ी तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे.
सो कमेंट में हमें ज़रूर से बताइए आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, आपको यहाँ पे इस स्ट्रेटजी से कैसे रिजल्ट्स मिल रहे। और पहले लाइव अकाउंट में ट्रेड मत कीजिएगा, डेमो अकाउंट में ट्रेड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। सो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।